अच्छा आप सबका इंटरव्यू ले लेते हैं, लेकिन आप जब एमएस धोनी के पीछे जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, और बस में भी एक बार आपने उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की इंग्लैंड में, तो वो उन्होंने तब भी कह दिया कि चल जाए यहाँ से, तो वो क्यों नहीं देते इंटरव्यू? तो ऐसे ही उनका भी एक अलग सा था ना, उनको नहीं करना, तो आई थिंक पर वो बोलते रहते कि इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये कर सकता है, तो वो उस टाइम भी इंटरव्यू लेते, बस उनको जस्ट आना नहीं था। अच्छा। लेकिन उनके साथ भी एक मजा आता था, वो जब न्यूजीलैंड में मुझे याद है हम सीरीज जीते थे, 4-1 सीरीज जीते थे 2018 में, तो वेलिंगटन में थे, तो मेरे पास कैमरा था, तो उनके पीछे भागा, सीधा ड्रेसिंग रूम में ही भाग गए थे। लेकिन यूजी आप मिस करते हैं उनको वनडे क्रिकेट? देखिए आईपीएल में तो आपके ऑपोजिशन में वो खेलते हैं, बट इन स्पेशली इन वनडे क्रिकेट एंड स्पेशली इन टी20 क्रिकेट, मैंने देखा था एक शो में जिसमें आप दोनों आए थे, कुलदीप एंड यू, और आप लोगों ने बताया था कि बड़ी मतलब हेल्प मिलती थी वो एज ए विकेट कीपर, एज ए यू नो DRS और एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर, तो आप मिस करते हैं उनको कि MS धोनी जैसा विकेट कीपर बैट्समैन या क्रिकेटिंग ब्रेन मैदान में रहता है तो हेल्प मिलती है? आई थिंक जिस हिसाब से जितने सालों में क्रिकेट खेला है और सालों कैप्टन रहे हैं, ICC चैंपियन ट्रॉफी वर्ल्ड कप भी जीते हैं, और ऐसा प्लेयर अगर टीम में होता तो ऑब्वियसली हर प्लेयर को मदद मिलती है, जरूरी नहीं है कि बॉलर को, इवन जो एक्सपीरियंस वो शेयर करते थे बैट्समैन के साथ उससे भी फर्क पड़ता था, और आई थिंक मैं नहीं, आई थिंक उनको सब मिस करते हैं, आप भी मिस करते होंगे, तो अब वो चीज हो नहीं सकता, लेकिन एक चीज अच्छी है कि ऋषभ पंत इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आई थिंक उससे भी हमें हेल्प मिल रही है, क्योंकि अब इज लाइक टोटली आई थिंक ऋषभ पंत वर्जन 2 हो गया है बिल्कुल, मतलब कि जो एक मैच्योरिटी उसमें दिखती है, उससे बात करने में आपको पता होता है कि यार उसके माइंड में भी क्या चल रहा है, तो आपको लगता है यार जो हेल्प हमें माही भाई से मिलती थी अब वो धीरे धीरे हमें उससे मिल रही है, तो मतलब आई थिंक वो भी एक प्लस पॉइंट हो गया है हमारे लिए।